कुछ लगता है झूठ जैसा है ये तेरी आंखों का करम दृश्यम जो ये देखती है सच है वो या है सच होगी का भरम दृश्यम जितनी भी सुनवाइया झूठ की वो सुनवाइया दिख रहता है सच की गवाइया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मूवी के लिए। मतलब आज दृश्यम 2 मूवी रिलीज हुई है, तो मैं आपको मूवी दिखाऊंगा दृश्यम 2। यहीं पे पास में जा रहे हैं हम इन्फिनिटी मॉल के पास, वहाँ पे देखेंगे पिक्चर और आपको उसके बारे में उसका रिव्यू देंगे। इस वीडियो में उसका रिव्यू देंगे और दिखाएंगे कितनी ऑडियंस थी पूरे हॉल में और लोगों से पूछेंगे कि आपको मूवी कैसी लगी। और दोस्तों, और आपसे भी पूछेंगे कि आपको कैसी लगने वाली है मूवी, ये आपको बता देंगे कि कैसी है भाई, देखने लायक है कि नहीं है। बाकी दृश्यम 1 थी तो दीपक भाई वो बढ़िया ही थी अपनी यार। दृश्यम 1 तो अच्छी थी, दूसरी देखते कैसे। तो मैं और दीपक भाई जा रहे हैं मूवी देखने, तो और आप भी जा रहे हो साथ में, दिक्कत क्या है। तो चलते हैं, मिलते हैं मूवी हॉल में। चुके हैं सिटी मॉल पे और पीछे ही देख रहे होगे, अब यहाँ जाएंगे PVR में और देखेंगे दृश्यम 2 और जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं टिकट कितने की है। तो अभी हमने टिकट ले लिए है, आगे बैठ टिकट दी भाई, टिकट आ गई है 300 रुपए में, 300 रुपए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मॉर्निंग शो सस्ता होता है ना। रुको भाई, ये देखो भाई, 2 टिकट ले लिया हमने, 11 बजे का शो है PVR की। तो दोस्तों, अभी हम आपको लेकर जाते हैं PVR के अंदर, दिखा रहे हैं ये पूरा, यहाँ से एंट्रेंस है। हमारे दीपक भाई हमें लीड कर रहे हैं, टिकट दिखा दो। तो भाई अपनी है 3 ऑडिटोरियम में, अभी क्लीनिंग चल रही है, प्रोग्रेस में, तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे फिर बताएंगे। बाकी आप यहाँ पे आओ तो यहाँ खाने का भी है, ये देख सकते हो PVR। मैं आपको मेन्यू भी दिखा देता हूँ, आओ मेन्यू दिखा गया है। ये मेन्यू कार्ड है भाई, मैंने 400 पेप्सी 43 भाई। बर्गर भी पता है 300 रुपये तक के बर्गर है यहाँ पे, 300 यहाँ पे भी है। सेकेंड डे, ये पॉपकॉर्न का, पेप्सी का, अब कार, ये सारी। अरे दीपक भाई कहाँ जा रहे हो तुम? ये हमारे दीपक भाई हैं। भाई हम आ चुके हैं PVR के अंदर, आप देख ही सकते हो पीछे पूरा PVR है। तो अभी मूवी देखेंगे फिर उसका रिव्यू देंगे, अभी 11 बजे का शो है। बंदा कितना तेज था दीपक भाई, क्या हो रहा था, 10:30 का शो है और 10:40 हो रहे थे, कह रहा है ऐड चल रही होगी, मैंने भाई किसी और ही को पागल बना, ऐड वैड कुछ ना चल रही है। अभी हम आपको मीडिया भी दिखाएंगे, हम अपनी गाने वाली 25 नवंबर की, तो ये और हिटर का दोनों में 25 नवंबर को ये दिखाएंगे, उसके बाद ये आ चुकी है, देखना नहीं पड़ेगा। 16 दिसंबर अवतार, 16 दिसंबर आएगी सबसे बड़ी फिल्म, ये भी दिखाऊंगा, ये भी बढ़िया है, इसे भी देखेंगे। और ये क्या भाई, 7 दिसंबर में एक्शन हीरो, एक्शन हीरो ये भी आने वाला है, एक्शन हीरो वो भी आएगी। ऑडिटोरियम में फुल चढ़ा है, हाँ मैंने किनारे की बताया ना, किनारा हो गया साइड में, अरे नहीं इधर की बताइए, चलो तो ये हम जा रहे हैं ऊपर। दीपक भाई देख के बढ़िया का ये ट्रेलर, अपनी ये वाली है
एट नाइन है अपने, एट और नाइन है। छः वाली रोल ये है कौन सी? अरे अपनी ये नहीं है, आओ ना बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुमचा सण उजळून निघते वाव स्किन सायन्स उठण्याने, जे समृद्ध आहे नैसर्गिक घटकांनी। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है, ये पूरा ऑडिटोरियम है, आपको दिखाता हूँ कितने लोग आए हुए हैं। ये देखो भाई सीटें देखो, मतलब अभी स्टार्टिंग ही है, आ ही रहे हैं लोग, हम लोग पहले आके थोड़ा बैठ गए हैं, आपने देख ही लिया था। बाकी ये देखो भाई, ये पूरा ऑडिटोरियम है, लोग अभी इतने ही भरे हुए हैं। आज फर्स्ट डे है और हमारा सेकेंड शो है 11 बजे का, तो देख लो भाई ऐसा ही है यहाँ पर। दिखती है सच है वो या है सच होगी का भरम, ये जितनी भी सुनवाइया झूठ की हो सुनवाइया, दिख रहता है सच की गवाइया। ये शब्दों पे नहीं दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो। झूठ भी तो कई राज छुपते हैं, खाके झूठी सी कसम। तो भाई हमारी पिक्चर चालू हो गई है, देखो चल रहे है, ये हमारे अजय देवगन भाई जी, मतलब भाई पिक्चर चालू ही हुई है, ये थोड़ा ट्रेलर टाइप का था ना स्टार्टिंग में, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वो चीज़ है। तो भाई अभी इंटरवल हो चुका है, तो इंटरवल तक स्टोरी कैसी लगी तुम्हें? अभी तक ठीक चल रहा, सस्पेंस है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी इंटरवल है, फिर मिलते हैं इंटरवल के बाद। तो भाई अभी हम सोच रहे थे कुछ खाने की, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये की फ्रेंकी 135 रुपये में है, और जो आपका 150 रुपये तक का पिज्ज़ा आ जाता है उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे 600 से है। हाँ मतलब यहाँ पे बस यार पिक्चर की टिकट ही सस्ती है 150 रुपये, बाकी सब महंगा है। और यार बोलते हैं ना ये मुंबई है, तो मुंबई में थोड़ा बहुत होता ही है। बाकी इंटरवल अभी ख़त्म ही होने वाला है, तो अंदर चलते हैं, कुछ ट्रेलर चल रहा हो वही देख के टाइम पास कर लेंगे, बाकी ख़त्म ही होने वाला है। और अभी तक मूवी मतलब ऐसा है कि जो पहले जो हो चुका है ना उसी को आगे का पार्ट दिखा रहे हैं, मतलब आगे खींच रहे हैं उसको, थोड़ी उसी को खींच रहे, कुछ नया नहीं है कि कोई नई स्टोरी क्रिएट करी होगी, कुछ ऐसा कुछ उस टाइप का नहीं है। बाकी अभी इंटरवल हुआ है, आगे देखते हैं क्या मज़ा आता है, तो चलो चलते हैं। सो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों की कितनी भीड़ है पूरे ऑडिटोरियम में, क्योंकि अभी इंटरवल हो गया तो मतलब ज़्यादा खास भीड़ भी नहीं आना था, वो आ जाए। सो दोस्तों पिक्चर हो गई है एंड, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखा पाया,
उसका कारण ये है कि मेरे YouTube वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता था और आपको भी मज़ा नहीं आता ना ऐसे देखने के लिए, तो आप खुद जाओ और अपने नज़दीकी थिएटर हॉल में और देखो। मतलब इंटरवल के बाद से बहुत अच्छी हो गई है मूवी, काफ़ी मज़ा आया देखने में, सस्पेंस से भरी हुई है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा, तो आप जाके एक बार इसको ज़रूर देखना। मतलब और पिक्चरों से तो मेरे को अब तक तो सही लगी, बाकी और जो होने वाली है रिलीज वॉयलेंट नाइट ये तुषार कपूर की यार मतलब अच्छी जा सकती है। हाँ वो भी वर्दी किसी और पुलिस की, मतलब किसी दूसरे स्टेट की लग रही है। अवतार ये भेड़िया जिसके सलमान खान भी प्रमोशन कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये गई थी भाई कांतारा। हम पिक्चर देख के आ चुके हैं, तो लगभग ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की पिक्चर है ना दृश्यम 2। तो भाई मतलब आपने ऑडिटोरियम देख ही लिया होगा कितनी भीड़ थी। आज फर्स्ट डे था और सेकंड शो था अपना, तो हम देख के बहुत अच्छी लगी यार मूवी। मतलब अच्छी है यार अजय देवगन की, मेरे को लग रहा है अच्छी मूवी है ये। पूरे साल में जो एक मूवी आई होगी ये अच्छी है। मतलब क्या है जो दृश्यम 1 है ना, बिल्कुल मतलब उससे बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। बस वो क्या होता है ना दृश्यम 1 के बाद उनको छूट जाते हैं ना, तो 7 साल बाद वो वापसी उनको बॉडी मिलती है। मतलब वही कहानी होती है ना थोड़ी स्टोरी खींचने वाली, लेकिन अच्छी खींची है उन्होंने, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी। और जो भाई एंडिंग है वो अच्छी है। हाँ दीपा भाई एंडिंग में तो मतलब अपना वो है कि वो ये बंदा फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है, सारे प्लान बना के रखता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या करना है। मतलब पिक्चर देख के आपको इंटरवल के बाद ऐसा लगेगा कि क्या नाम है, सब कुछ पुलिस वालों के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, लेकिन एट द एंड वो उन सबका बाप निकलता है। यार भाई तुम देखना, मतलब बहुत मज़ेदार मूवी है, बहुत अच्छी है। तो मैं भी आपको स्टोरी पूरी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मज़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी आप जाओ और खुद से देखो, फिर आपको जो भी अच्छा लगेगा बताना। बाकी अभी हम जा रहे हैं दीपक भाई के यहाँ, क्या क्रोमा घूमते थोड़ा चलते हैं, घर हो गया क्रोमा घूमेंगे। दीपक भाई को टैब लेना है तो क्रोमा घूमेंगे, देखेंगे, फिर कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे घर। सो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने मूवीज़ के बारे में बताया दृश्यम 2 के बारे में वो आपको अच्छा लगा हो और आप उसी हिसाब से अपना बता सको कि आप देखने जाओगे कि नहीं जाओगे। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कब जाने वाले हो दृश्यम 2 मूवी देखने के लिए। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच यार दोस्तों। इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।